इस तारीख तक परीक्षा सिर्फ में उसको हो जानी है तो वो भाग ले सकते हैं। तो परीक्षा फल जब भी आएगा तब आएगा, या तो परीक्षा नहीं हुई है या परीक्षा फल उसको नहीं मिला है, तो दोनों ही स्थिति में वो भाग ले सकेंगे बशर्ते 31/8/2023 तक संपन्न हो जा रही है, या अगर पहले संपन्न हो चुका है और उसका परीक्षा फल अभी नहीं हुआ है तो भी वो दे सकते हैं, और परीक्षा फल उनको बाद में निकलता है तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। शिक्षक नियुक्ति के लिए बीपीएससी अब अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भी मौका देगा। जी हां, बता दें आपको कि इसको लेकर बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं और एक डेट निर्धारित किया है कि 31 अगस्त वो एग्जाम जो है वो संपन्न हो जाने हैं, और वहीं जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त आपको वो एडमिट कार्ड जो है वो भी दिखाना होगा कि आपने एग्जाम कब कंप्लीट किया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अतुल प्रसाद, सुनिए। ये बिंदु लोग डिमांड करते रहे हैं और मैं समझता हूं कि अगर इस पॉइंट पर अगर किसी को अभी भी अगर कोई संशय है तो पूछ लेंगे। 31 अगस्त 2023 परीक्षा हो जानी चाहिए। यस, और ये इस तारीख तक परीक्षा सिर्फ में उसको हो जानी है तो वो भाग ले सकते हैं। परीक्षा फल जब भी आएगा तब आएगा। ये वो छात्र होंगे जो टेट क्वालिफाइड किए होंगे, वही ना सर? जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा है, अगर वो उनका पेंडिंग है, या तो परीक्षा नहीं हुई है या परीक्षा फल उसको नहीं मिला है, तो दोनों ही स्थिति में वो भाग ले सकेंगे बशर्ते इस तारीख तक उनकी वो परीक्षा संपन्न हो जाए और उसमें वो भाग ले लें। सबके लिए जिसका कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसका उसको आप उस कॉम्बिनेशन की बात आप मत सोचे अभी करें। कुछ के लिए कुछ लागू होगा, कुछ के लिए कुछ और लागू होगा, कुछ की कुछ और बातें होंगी। मैंने आपको एक विस्तार से ये बता दिया कि जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा उनको देनी है, अगर वो परीक्षा 31/8/2023 तक संपन्न हो जा रही है, या अगर पहले संपन्न हो चुका है और उसका परीक्षा फल अभी नहीं हुआ है तो भी वो दे सकते हैं, और परीक्षा फल उनको बाद में निकलता है तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके कागजातों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जब उनको आमंत्रित करेंगे, तब उस समय उन्हें उस परीक्षा में का एडमिट कार्ड, जिसमें कि वो कह रहे थे कि हम 31 अगस्त तक अपीयर हो रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड दिखाना होगा और फिर उस समय उसका परीक्षा फल भी दिखाना होगा जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाएंगे। सर, यहाँ पे एक सवाल है, ये जो आप, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अर्हता संबंधी कोई भी परीक्षा उनको, लेकिन ये नहीं होना हो सकता है कि अगर इस कट ऑफ डेट के बाद वाली परीक्षा में भी अगर वो बाद में अगर कोई परीक्षा होने जा रही है, अगले साल कोई परीक्षा होने जा रही है, तो आज झूठा डिक्लेरेशन दे करके वो अपीयर हो जाए, वैसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग और भी हम लोग उसको वचनबद्धता लेंगे, और अगर उसमें अगर वो पाते हैं कि नहीं उसने एडमिट कार्ड उसके पास में नहीं है उस तरह की परीक्षा का, तो फिर हम लोग उसको ब्लैकलिस्ट वगैरह करने की, गलत बयानी के लिए ब्लैकलिस्ट करने की बात करेंगे। जो परीक्षा 31/8/2023 तक संभावित है, वैसे ही मामलों में, और उनका अगर उसमें कोई परीक्षा अगर रुका हुआ है या परीक्षा फल रुका हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सुना कि इसको लेकर अतुल प्रसाद क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये समस्या हमारे पास आ रही थी, सरकार के पास भी समस्या थी, तो उसी को देखकर ये चीज़ें जो है वो की गई है, और जो भी अपीयरिंग स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनको 31 अगस्त तक एग्ज़ाम जो है वो दे देना है, और जब हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे तो उस समय उन्हें वो जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखानी होगी, एडमिट कार्ड जो है वो दिखाना होगा। तो खबर में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।